Hello everyone welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika Today we are going to discuss the question answers of ncrt textbook of class 7th chapter 13 Motion and Time I have already explained this chapter you can watch the video from the link given in i button or in the description box so now let's start the question answers Question number 1 says classify the following as motion along a straight line circular or oscillatory motion तो हमको ये बताना है ये सारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं तो किस टाइप में कौन से एग्जाम्पल में कौन से टाइप का मोशन ये शो कर रहा है ओके लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन यू दीज मोशंस स्ट्रेट लाइन जब कोई सीधी सीधी चीज़ जा रही है ठीक है सर्कुलर जब कुछ सर्कल में जा रहा है ठीक है और ऑसिलेटरी मोशन जब ऑसिलेशंस होते हैं जैसे टू एंड फ्रो होता है पेंडुलम में राइट सो फर्स्ट पार्ट मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल्ड रनिंग तो जब हम रन करते हैं हमारे हैंड्स ऑसिलेट करते हैं राइट दैट इज़ ऑसिलेटरी मोशन क्योंकि हाथ इस तरीके से ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में जाता है और उसी पोजिशन से दोबारा बैक आ जाता है देन मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड स्ट्रेट रोड है तो उसमें स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ठीक है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरीगो राउंड मेरीगो राउंड हमेशा सर्कुलर मोशन शो करता है देन मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सी सॉ सी सो आपको पता है इस टाइप का जैसे झूला होता है राइट right? तो ये झूला एक बार ये इधर जाएगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा तो दिस इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन देन मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रिक बेल में जो हैमर होता है वो ऐसे ऐसे करके गोंग के ऊपर ऐसे करके स्ट्राइक करता रहता है राइट तो दैट इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन देन मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज तो स्ट्रेट है तो अगेन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट सो फर्स्ट वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड दिस इज करेक्ट सो यू कैन राइट इट ट्रू एवरी ऑब्जेक्ट मूवस विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड सो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि हर ऑब्जेक्ट सेम स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड से ही चलेगा स्पीड में बिल्कुल चेंजेस आते हैं ठीक है तो ये फॉल्स होता है डिस्टेंसिस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर येस फॉर एग्जाम्पल दिस इज सिटी ए एंड दिस वन इज सिटी बी तो सिटी का डिस्टेंस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता है दैट इज़ वाई उसको हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फोर्थ द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंड्यूलम इज कॉन्स्टेंट तो दिस इज अगेन नॉट नेसेसरी पेंड्यूलम में जो टाइम पीरियड होगा वो कॉन्स्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अगेन दिस इज़ फॉल्ट कॉन्स्टेंट का मतलब यहाँ पे है वो सेम रहेगा टाइम पीरियड जो होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा तो so, ऐसा नहीं है टाइम पीरियड धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाएगा देन फिफ्थ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज मेजर्ड इन मीटर पर आवर दिस इज इन करेक्ट दिस शुड बी मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन नंबर थ्री ये एक न्यूमेरिकल है सिंपल पेंडुलम टेक्स थर्टी टू सेकेंड्स तो टाइम हमारा आ गया है थर्टी टू सेकेंड्स टू कंप्लीट ट्वेंटी ऑसिलेशनस तो सिंपल पेंडुलम है वो इस तरीके से ट्वेंटी ऑसिलेशंस करता है ठीक है और इस पूरे ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको थर्टी टू सेकेंड्स लगे हैं व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम टाइम पीरियड का मीनिंग होता है कि एक ऑसिलेशन को कम्प्लीट होने में कितना टाइम लगा है सो वॉट वी विल डू टाइम पीरियड इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन राइट तो टोटल टाइम टेकन है थर्टी टू सेकेंड्स अपॉन ट्वेंटी सो द आंसर इज़ वन पॉइंट सिक्स थर्टी टू को जब हम रिड्यूस करेंगे ये एक बार बता देती हूँ टू सिक्सटीन ज टू टेन जॉ नीचे जब टेन आ गया है वी नीड नॉट डिवाइड इट मोर डायरेक्ट हम ऊपर एक नंबर से पहले डेसिमल लगा देंगे राइट सो दिस इज़ वन पॉइंट सिक्स सेकेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज़ टू फोटी किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए दिस इज़ बी ठीक है इसके बीच का डिस्टेंस इज टू फोर्टी किलोमीटर नाव अ ट्रेन टेक्स फोर आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस तो टाइम हमारे पास आ गया है फोर आवर्स ओके तो डिस्टेंस इज़ ऑल्सो देयर टाइम इज़ ऑल्सो देर नाव टू कवर दिस डिस्टेंस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन वी नो द इज द फॉर्मूला स्पीड इक्ल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नाउ बिकॉज डिस्टेंस भी किलोमीटर में है टाइम भी आर्स में है तो वी नीड नाट चेंज द यूनिट्स हम डायरेक्टली फॉर्मूला में जो वैल्यूज़ गिवन है उसको पुट कर देंगे सो द डिस्टेंस इज़ टू फोर्टी एंड टाइम इज़ फोर इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो सिक्सटी किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा ना क्वेश्चन नंबर फाइव द ओडोमीटर ऑफ अ कार ओडोमीटर मीन्स वो डिवाइस जो कि किसी व्हीकल में होता है और वो हमको डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है वो बताता है एक और होता है स्पीडोमीटर जो कि हमको स्पीड बताता है राइट सो द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स दिस मच किलोमीटर वैन द क्लॉक शोज़ द टाइम एट थर्टी एम तो एट थर्टी में मतलब सुबह साढ़े आठ बजे हमारे पास डिस्टेंस था फाइव सेवन थ्री टू वन इसका मतलब इतना डिस्टेंस पहले से वहाँ पर ट्रेवल्ड है उस कार ने इतना ट्रेवल कर लिया है वट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट एट फिफ्टी एम तो आठ बज के पचास मिनट में अगर डिस्टेंस है दो मीटर रीडिंग हैज़ चेंज टू फाइव सेवन थ्री थ्री सिक्स अगर इतना डिस्टेंस आ गया है एट फिफ्टी में तो हमको क्या फाइन करना है इसमें कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम तो किलोमीटर पर मिनट में हमको ये स्पीड निकाल निकालनी है नाउ यू सी पहले जो डिस्टेंस था दैट वाज फाइव सेवन थ्री टू वन बाद में डिस्टेंस इतना हो गया तो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल हुआ दिस माइनस दिस वन ओके okay? और जब हम बड़े से छोटा माइनस कर देंगे वी विल गेट फिफ्टीन किलोमीटर्स ओके नाउ टाइम हमारे पास कितना है देखिए एट थर्टी से लेके एट फिफ्टी तक ट्वेंटी मिनट्स होते हैं फिफ्टी में से जब हम थर्टी माइनस करेंगे तो ट्वेंटी मिनट्स आएंगे नाउ द क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो आस्कड अस टू फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट राइट किलोमीटर पर मिनट तो डिस्टेंस तो हमारे पास किलोमीटर में ही है दिस ट्वेंटी मिनट्स इज़ ऑल्सो इन मिनट तो हम इसका डायरेक्टली स्पीड निकाल लेंगे दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस हमारे पास आ गया था फिफ्टीन एंड टाइम इज़ ट्वेंटी तो इसका आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव किलोमीटर पर मिनट ऑल्सो द क्वेश्चन सेज़ एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आर ऑल्सो ओके तो हम लोगों के पास किलोमीटर पर मिनट में आंसर ऑलरेडी आ चुका है इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में तो मिनट को हमें सबसे पहले आर में कन्वर्ट करना है यू नो वन आर में सिक्सटी मिनट्स होते हैं तो वे वन मिनट में कितना आर हो गया वन अपॉन सिक्सची आर हो गया सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट द टाइम दैट इज़ ट्वेंटी मिनट दिस बिकम्स ट्वेंटी अपॉन सिक्सची सो दिस अगेन बिकम्स वन अपॉन थ्री आर ठीक है नाउ वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वीज एक टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस ऑलरेडी वी हैव फिफ्टीन किलोमीटर एंड टाइम हमारे पास आ गया है वन अपॉन थ्री जब इस टाइप की कंडीशन आती है वन बाई थ्री यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही हैं तो हम क्या करेंगे इस डिनोमिनेटर को ऊपर भेज देंगे फिफ्टीन के पास और ये फिफ्टीन के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नॉर्ज आंसर इस फिफ्टीन थ्री सो फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर नाव बिकॉज डिनोमिनेटर में यहाँ पे वन था इसलिए हम इसको और कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे इन केस कुछ नंबर होता तो हम उसको भी कैलकुलेट करते राइट क्वेश्चन नंबर सिक्स सलमा टेक्स फिफ्टीन मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाइसिकल ओके तो टाइम टेकन इज फिफ्टीन मिनट्स ओके नाओ इफ द बाइसिकल हैज़ द स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल तो मान लीजिए यहाँ पे हाउस है यहाँ पर स्कूल है तो ये जो डिस्टेंस है ठीक है इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है एंड वी हैव द स्पीड ऑलरेडी स्पीड गिवन है और टाइम भी गिवन है अच्छा आप क्योंकि देखिए यूनिट्स को कैसे चेक करते हैं स्पीड इज़ गिवन इन टू मीटर पर सेकेंड ठीक है second, इसका मतलब टाइम को ये सेकेंड डिनोट करता है और डिस्टेंस को ये मीटर uh, डिनोट करता है हियर द टाइम इज़ इन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू चेंज दैट फिफ्टीन मिनट्स इन टू सेकेंड्स एज यू नो वन मिनट में देयर आर सिक्सटी सेकेंड्स तो यहाँ पे टाइम इज़ गिवन फिफ्टीन मिनट तो फिफ्टीन मिनट में कितना होगा फिफ्टीन इंटू सिक्सटी दैट इज़ नाइन हंड्रेड सेकेंडस नाउ यू नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये टाइम यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड के साथ ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड द डिस्टेंस विल बी स्पीड इन टू टाइम स्पीड हमारे पास टू मीटर पर सेकेंड गिवन है ऑलरेडी टाइम हमने फाइंड आउट किया है नाइन हंड्रेड सेकेंड्स यहाँ पर ठीक है तो दिस इज एटीन हंड्रेड मीटर्स नाउ इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फाइंड आउट द आंसर इन मीटर एज वेल एज इन किलोमीटर लेकिन किलोमीटर का आंसर ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो उसको हम किलोमीटर में फ़ाइंड करके बताते हैं राइट नाओ क्वेश्चन नंबर सेवन शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्रैफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस अकार मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड कॉन्स्टेंट है तो आपको पता है वो यूनिफॉर्म स्पीड बताएगा मतलब कि सेम स्पीड है थ्रू आउट द जर्नी अकार पार्कड ऑन द रोड साइड तो कार पार्कड है अगर मतलब वो डिस्टेंस उसका जीरो है टाइम भले ही बढ़ता जाएगा लेकिन उसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि वो एक जगह पर खड़ी हुई है ठीक है क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इन टू टाइम गलत स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यस दिस वन इज करेक्ट स्पीड इक्वल्स टू टाइम अपॉन डिस्टेंस ये भी गलत स्पीड इक्वल्स टू वन अपॉन डिस्टेंस ये भी गलत है तो यही वाला सेकेंड वाला आंसर इज करेक्ट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज़ किलोमीटर पर मिनट मीटर पर मिनट किलोमीटर पर आर मीटर पर सेकेंड तो इसकी बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर टेन कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर फॉर फिफ्टीन मिनट्स अच्छा तो इसमें दो टाइप की जर्नीज गिवन है हैं ठीक है एक कार है सबसे पहले वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है एट फोर्टी किलोमीटर पर आर फॉर फिफ्टीन मिनट्स ठीक है एंड देन विद द स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आर यहाँ पे सिक्सटी किलोमीटर पर आर फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट्स ओके द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज़ तो टोटल डिस्टेंस हमको बताना है हम दोनों कंडीशन की सेपरेट वे में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे यू नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस बिकम्स स्पीड इन टू टाइम राइट स्पीड इन टू टाइम यहाँ पे स्पीड है फोर्टी एंड टाइम इज़ फिफ्टीन मिनट्स अब देखिए आप किलोमीटर पर आर में है स्पीड एंड द टाइम इज़ इन मिनट तो हमको टाइम को कन्वर्ट करना है इन टू आर तो हम यहीं पर सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा ठीक है इन द सेम वे हम इस वाले डिस्टेंस को भी फ़ाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर दिस इज़ सिक्सटी इंटू फिफ्टीन अपॉन सिक्सटी सिक्सटी से सिक्सटी चला जाएगा यहाँ पर आ गया फिफ्टीन किलोमीटर्स ओके और यहाँ पे ज़ीरो से ज़ीरो टू टू ज़ा टू थ्री ज़ा एंड थ्री फाइव ज़ा फ़ाइव टू ज़ा टेन किलोमीटर जब हम दोनों डिस्टेंसेस को एड करेंगे वी विल गेट ट्वेंटी फ़ाइव किलोमीटर्स राइट एंड द आंसर इज़ ट्वेंटी फ़ाइव किलोमीटर ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन सपोज द टू फोटोग्राफ्स शोन इन फिगर थर्टीन पॉइंट वन एंड थर्टीन पॉइंट टू हैड बिन टेकन एट एन इंटरवल ऑफ टेन सेकेंड्स ठीक है मतलब दस सेकेंड के गैप में अगर हमने ये दोनों फोटो ली है इफ़ अ डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड मीटर्स इज शोन बाई वन सेंटीमीटर इन दीज फोटोग्राफ्स मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर तो वो एक वन सेंटीमीटर से ग्राफ में जैसे हम देखते हैं तो वो वन सेंटीमीटर से शो कर रहा है इतना कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार यहाँ पर फास्टेस्ट कार कौन सी है हम ये देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जितनी भी कार्स हैं वो ऑलमोस्ट अपनी जगह पर ही है सिर्फ एक ये ब्लू वाली कार की पोजिशन आप देखिए यहाँ से ये इसका पोजिशन चेंज हो गया है राइट right? सो so, आप इसमें देखिए द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लू कार एज़ एविडेंट फ्राम द फोटोग्राफ फ्राम वन हॉर्जोंटल वाइट स्टिप वो जो स्ट मैंने आपको बताया उससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो विच इज़ मेजर्ड बाई स्केल इज़ वन पॉइंट टू सेंटीमीटर तो अगर हम अपना स्केल यूज़ करें ठीक है और स्केल को लेकर यहाँ से ले कर यहाँ से ले कर मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करें तो इट विल भी अराउंड वन पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट वन सेंटीमीटर इज इक्वेल टू हंड्रेड मीटर्स तो ये हो जाएगा वन पॉइंट टू सेंटीमीटर इन टू हंड्रेड मीटर जब हम कर देंगे इट विल बिकम वन टू ज़ीरो वन ट्वेंटी मीटर्स ठीक है टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटरवल बिटवीन टू फोटोग्राफ दैट इज टेन सेकेंड द सेकेंड हमें ऑलरेडी गिवन है तो द स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस वी हैव गॉट वन ट्वेंटी मीटर्स एंड टाइम इज टेन सो द आंसर इज ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड ओके फिगर थर्टीन पॉइंट वन फाइव शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी तो दिस वन इज़ ए दिस वन इज बी विच वन ऑफ दम इज़ मूविंग फास्टर तो आप देखिए जो ज़्यादा डिस्टेंस का ट्रेवल करेगा और टाइम कम लेगा उसका स्पीड हम ज़्यादा समझेंगे तो इसका डिस्टेंस है यहाँ तक गया है और टाइम इसने इतना लिया है वेयर एज़ इसका डिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ तक ट्रेवल किया है और टाइम भी इसने ज़्यादा लिया है तो वी कैन से कि ए वाला जो ग्राफ है या ए वहीकल ज़्यादा जल्दी मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बी नाओ क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स शोज और ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट जब भी क्वेश्चन में ये नॉट वाला वर्ड आता है इसको हम अलग से मार्क कर लेते हैं क्योंकि मोस्टली हम नॉट को कंसिडर ही नहीं करते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं है ना तो उसको हमें पहले मार्क कर लेना है तो आप देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट है दिस वन इज़ ऑल्सो स्ट्रेट लाइन ये भी कॉन्सटेंट ये भी स्ट्रेट लाइन है सो दिस इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट जस्ट ओनली दिस लाइन दिस इज जिग्जैग लाइन कम्प्लीटली जिग्जैग नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ इसमें कर्व आ रहा है दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट सो द थर्ड पार्ट इज आंसर पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर लिंक आपको शो होगा वहाँ से देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ तब तक ब बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग